नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश, आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ एस एन ढैया चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये कमेंट आ रहा है बार बार कि सदा घोड़ी की कैसे पहचान करें जो नए हॉर्स लवर होते हैं। जो दूध या सदा घोड़ी होती है उसी को नुगरी घोड़ी बोल देते हैं और बताते हैं कि ये नुगरी घोड़ी है। दोस्तों, आप नुगरी घोड़ी की और सदा घोड़ी में क्या फ़र्क देख सकते हैं, कैसे उसकी पहचान करते हैं, आज के इस वीडियो में यही बताएँ। क्योंकि काफ़ी बार ये कमेंट आ चुका है और जो घोड़ा घोड़ी रखता है उसको तो मालूम है कि सदा घोड़ी किसे कहते हैं और नुगरी घोड़ी किसे कहते हैं। जो दूध या सदा घोड़ी होती है उसी की बार बार मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि ये सफ़ेद घोड़ी है, सफ़ेद घोड़ी है, नुगरी घोड़ी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा, जो नई हॉर्स लवर है वो आराम से आसानी से इस चीज़ को पहचान के और उसकी पहचान कर सकते हैं कि नई घोड़ी के अंदर की नुगरी घोड़ी है या सदा घोड़ी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, क्योंकि घोड़ा घोड़ी से संबंधित जानकारी हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। दोस्तों, देखने में तो ये ऊपर से एकदम सफ़ेद लगती है, उसके बाल सफ़ेद लगते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि नुगरी घोड़ी है। लेकिन नुगरी घोड़ी की पहचान क्या होती है कि उसके सफ़ेद बाल होते हैं लेकिन उसकी चमड़ी होती है वो एकदम लाल होती है। अंदर से आप देखेंगे तो उसकी चमड़ी होती है घोड़ी की, वो लाल होती है। और संजाब घोड़ी की यानी कि बाल ऊपर से सफ़ेद होंगे। देखिए, आप जैसे इसकी देख रहे हैं एकदम सफ़ेद है, पूंछ भी सफ़ेद है, कलर भी एकदम सफ़ेद है, लेकिन जो चमड़ी है अंदर से वो ब्लैक है यानी कि काली है। संजाब घोड़ी की चमड़ी होती है वो ब्लैक होती है। दूध या संजाब घोड़ी है इसकी चमड़ी है वो ब्लैक है यानी कि काली है, वैसे एकदम सफ़ेद है बाल, और नुगरी घोड़ी की लाल चमड़ी होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि संजाब घोड़ी किसे कहते हैं और नुगरी घोड़ी किसे कहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई और अच्छी जानकारी के साथ में। आज के लिए मैं तक लिए धन्यवाद।